मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आपसे मलेशिया से मुखातिब हूं। आज का जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। इस टॉपिक को रखने की वजह एक ये है कि आज दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और मुख्तलिफ एरियाज हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, और ये पिछले कोई 4-5 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और कोई भी आप इंडस्ट्री ले लें, चाहे आप हेल्थ इंडस्ट्री ले लें, सेल्फ ड्राइविंग कार ले लें, आप बिजनेसेस ले लें, कॉल सेंटर्स ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, मैन्युफैक्चरिंग ले लें, ड्रोन टेक्नोलॉजी ले लें, हर एक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही अलग एरिया जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है जो कि रोबोटिक्स है। पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा कर दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी है एक आम जबान में एक आम आदमी के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है, ताकि जब हम वो प्रोग्राम करें तो उस वक्त आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम जो रेफरेंस दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो ये क्या है। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा जो भी चीजें आप मैं उस पर वीडियोस डाउनलोड करूंगा वो आप तक पहुंचती रहें। और मेरा ये चैनल जो है टेक्निकल चैनल, और मेरा खुद प्रोफेशन जो है 30 साल से टेक्निकल ही रहा है, और मैंने अभी ये चैनल बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इसको बने हुए, और मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में जाता था और पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं उर्दू में इसको आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं मलेशिया में रहता हूँ और काफ़ी अरसे से यहाँ हूँ, बाहर हूँ पाकिस्तान से। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि इंग्लिश के बजाय मैं उर्दू में आप लोगों को वो सारी जो मैं लेक्चर्स देता रहा हूं या जो मेरी एक्सपर्टीज है वो आप तक पहुंचाऊं। तो चले आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर आप बिल्कुल इसको लें कि जी इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इट एनेबल्स द मशीन टू थिंक एंड थिंक लाइक अ वे दैट ह्यूमन बीइंग मेक्स द डिसीजन। तो मशीन भी उसी तरह से डिसीजन लेना शुरू कर दे और उसी तरह से सोचना शुरू कर दे जिस तरह से इंसान सोचता है या इंसान अपने दिमाग से कुछ चीजें करता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को ज़हन में रखें कि इंसान जो है वो उसका दिमाग किस तरह से काम करता है। तो एक चीज होती है न्यूरॉन। हर आदमी के जो दिमाग है उसके अंदर एक टाइम में कुछ 20 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो न्यूरॉन्स जो हैं वो हर चीज को प्रोसेस करते हैं। मसलन अगर मैं किसी व्यू को देख रहा हूं तो जो मेरी आंख के थ्रू वो व्यू अंदर जा रहा है वो भी जो एनालाइज होकर मुझ तक पहुंच रहा है वो न्यूरॉन के थ्रू हो रहा है। इसी तरह से मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं और मुझे ब्रेक लगानी है आगे की सिचुएशन को देख के, तो जो मुझे वो आंख के थ्रू पहुंच रहा है उसमें मैं उसको डिसीजन लेने के लिए वो सारे न्यूरॉन प्रोसेसिंग जो है वो मेरे दिमाग में हो रही है। अभी तक इंसान की जो ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन की प्रोसेसिंग स्पीड है ये कंप्यूटर से बहुत ज्यादा है। अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बन सका दुनिया में जो 20 बिलियन न्यूरॉन्स को उस स्पीड के साथ प्रोसेस कर सके जो कि आज ह्यूमन बीइंग कर पा रहा है। गो के अगले शायद 4 या 5 साल में ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर शायद बहुत सी चीजों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ जाए। अच्छा, अब ये कि एक तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, दूसरा ये कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, ये एआई का हिस्सा है। तो अगर आप देखें ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उसके अंदर जो मशीन लर्निंग है वो उसका एक सबसेट है जिसके अंदर हम इन चीजों को प्रोसेस करते हैं। तो उसकी अगर आप डेफिनेशन लेने जाएं तो वो है कि स्टैटिकल टूल टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज द डेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तो है कि डेटा क्या है, ठीक है।
और डाटा के लिए एक बहुत डाटा साइंटिस्ट जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, एंड्रो अंग, उन्होंने ये कहा कि एआई इज नाउ न्यू इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज द कोट ही हैज गिवन कि अब एआई जो है वो आज के दौर की इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी बनी थी और उस वक्त से आज तक जो इलेक्ट्रिसिटी से हम बेनिफिट लेते चले आ रहे हैं, अब एआई जो है वो न्यू इलेक्ट्रिसिटी है। ये एंड्रू अंग ने कहा जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं डेटा साइंसेस। तो वापस हम आते हैं कि जी मशीन लर्निंग क्या होती है। तो उर्दू में आपको बता दूं कि अगर हम जो डेटा है उसकी एक स्टैटिकल टूल के तौर पर अगर हम यूज करें मशीन लर्निंग को, और उस डेटा को एनालाइज करें और एनालाइज करके उससे उसके रिजल्ट निकालें, तो ये मशीन लर्निंग करती है। अब इसमें किस किस्म के मशीन लर्निंग है? तो तीन किस्म की मशीन लर्निंग बहुत फेमस है। एक ये कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, दूसरी ये कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, और तीसरी ये कि री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग है। री इन्फोर्समेंट को वो सेमी सुपरवाइज भी कहते हैं, और बाज वक्त वो इसको दोनों को अलग अलग भी डिस्टिंग्विश करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो हम जैसे कहते हैं सुपरवाइज्ड है, तो सुपरवाइज का मतलब क्या है? सिंपल ये कि हम टैग्ड डेटा, जो डेटा की इंफॉर्मेशन टैग्ड है, वो हम देते हैं मशीन को और उसकी बेसिस के ऊपर वो हमें कोई चीज बताती है। मसलन हमने देखना है कि जी मोटापा जो है इंसान का वो किन लोगों में है, और हम उसमें से तीन इंफॉर्मेशन दे देते हैं और हम कहते हैं कि जी उसके हाइट, वेट और उसका साइज, इसकी बेसिस के ऊपर ये बताए कि ये आदमी की को में मोटापा है या नहीं। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि डाटा जो है वो टैग है, और एक रूल बेस के ऊपर वो जाके, चूंकि हम जो डेटा दे रहे हैं वो सुपरवाइज डेटा है, वो मशीन लर्निंग डिसीशन ले। अच्छा, अब ये कि अब ये कि जो नॉन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है या अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है, वो क्या है? वो डेटा है जो कि लेबल्ड नहीं, यानी ऐसा डेटा उसको दिया जाता है जो कि लेबल्ड नहीं, और उसके अंदर हम क्लस्टरिंग को यूज करते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्लस्टरिंग होती है, जिसमें हिरारिकल क्लस्टरिंग है, दूसरे इसमें अल्गोरिथम्स हैं जिसमें डीबी क्लस्टरिंग है, इसके अंदर गेमिंग क्लस्टरिंग है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एल्गोरिथम्स हैं जो डिजाइन की जाती हैं और खास पर्पस के लिए, जिसमें हम जो डेटा है जो कि अन टैग डेटा है वो हम उसको देते हैं, और वो फिर पूरी एल्गोरिथम जो है वो उसको मशीन खुद ही रन करती है, उसको क्लीन करती है, उसको लर्न करती है और कंटिन्यूअस लर्न करती है। तो हम जो कहते हैं कि मशीन लर्निंग, इसे मसलन ये कि मैं अगर एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दूं आपकी आसानी के लिए, तो आजकल जो है वो वॉइस क्लोनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। वॉइस क्लोनिंग का मतलब ये है कि मैंने अपनी वॉइस है मेरी, और मैं जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन लर्निंग को यूज करते हुए मेरी वॉइस को क्लोन कर देती है। तो वो वॉइस को कैसे क्लोन करती है? वो ऐसे क्लोन करती है कि मैंने शुरू में जैसे कि 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कोई एक पैराग्राफ पढ़ दिया, ठीक है, अपनी आवाज में, या मेरी कोई यूट्यूब पे स्पीच है या कहीं और मेरी स्पीचेज हैं, वो जो स्पीच मैंने की है उसको हमने मशीन को दे दिया। तो मशीन क्या करती है कि इसको लर्न करती है, जो पैटर्न है हमारा, मेरा बोलने का जो पैटर्न है, वॉइस की जो सीक्वेंस है, फ्रिक्वेंसी है, इसको सबको एग्जामिन करने के बाद जो एल्गोरिथम है वो मेरी एक वॉइस डिजाइन कर देती है, और वो बहुत हद तक मेरी उस वॉइस से क्लोज होती है जो मेरी नेचुरल वॉइस है। तो इसको हम कहते हैं वॉइस क्लोनिंग। अब क्या है कि वो तो 10 मिनट की या 15 मिनट की मैंने वॉइस दी थी उसको, और उस बेसिस पे जो मशीन ने लर्निंग की है तो उस पे बेसिस के ऊपर उसने एक मेरी वॉइस का टोन निकालकर और मेरी वॉइस को दिया है।
अब अगर मैं 30 मिनट या 90 मिनट्स की अपनी रीडिंग कर दूं या एक पूरी बुक रीड कर दूं, तो उस सूरत में जो एल्गोरिथम है वो जाकर कंप्लीट जो मेरी आवाज में जहां मैं रुकता हूं, जहां पर बोलता हूं, जहां पर, तो हर चीज को जो है वो लर्न करेगा, और लर्न करने के बाद हम उसको मेरी वॉइस में क्लोन कर देगा, और वो क्लोनिंग काफी हद तक मेरी वॉइस से मिलती हुई होगी, मतलब 95% 98%। आम आदमी के लिए तो मेरा ख्याल है कि शायद उसे लगे कि मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो मेरे लिए शायद वो 90% हो, क्योंकि उसमें अभी भी जो मेरा बोलने का अंदाज है वो 100% शायद कॉपी ना हो। तो मशीन लर्निंग ये है कि वो मेरे से जो डाटा ले रहा है वो लेकर उसको लर्न करता है उस एल्गोरिथम के थ्रू। तो मैं आगे चलकर एक वॉइस क्लोनिंग और फेस क्लोनिंग, इसी तरह से जो और जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, कि जैसे कि कॉल सेंटर्स के अंदर हो रही है, हेल्थ में यूज हो रही है, एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, तो इस पे मैं वीडियोस करने का इरादा है आगे कुछ महीनों में। तो पर्पस इस मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताने का यह है कि जब मैं वो कर रहा हूं तो एक पीछे वीडियो मौजूद हो जो सिंपल इंट्रोडक्शन की हो। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर जो आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब हम आ जाते हैं कि जी ये डीप लर्निंग क्या है। आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग है, फिर हमने कहा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी जो है वो सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग ये है कि कैन बी लर्न लाइक अ ह्यूमन एंड मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी इसका जो आर्किटेक्चर है वो मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर उसको कहते हैं, और वो बिल्कुल उसी तरह से सोचना और लर्न करने की टेक्निक है जिस तरह से इंसान करता है। मसलन मैं अगर ये कहूं कि मैं एक एनिमल बर्ड को देख रहा हूं, तो इंसान बड़े आराम से बर्ड को देखने के बाद ये पहचान जाता है कि ये कौआ है, ये कबूतर है, ये चील है, ये ईगल है, तो हम उसको देख के अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी न्यूरल कैपेबिलिटी है जो हमारी बिल्ट इन मौजूद है। लेकिन अगर यही चीज जब हम कंप्यूटर को देते हैं और कहते हैं कि ये एक बर्ड है, तो बर्ड की फिर उसको एनालाइज करने के लिए काफी प्रोसेसिंग चाहिए होती है। मसलन कबूतर को कौवे से डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ कलर ही नहीं है बल्कि और भी चीजें। इसी तरीके से अगर हम कहें चील और ईगल और चील के दरमियान क्या फर्क है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंप्यूटर को आइडेंटिफाई मुश्किल से होती है, अनटिल एंड अनलेस कंप्यूटर ये लर्न ना करे कि उसका पैटर्न क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि एक इनपुट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर वो है डेटा। कि डेटा के बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। मसलन डेटा इज एवरीथिंग। तो आपने डेटा इनपुट फीड करना है और एक आउटपुट निकलेगा आपका जिसमें वो बताएगा कि ये कौन है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन जो है ये न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होता है वो डिफाइन होता है, जो कि उसको एग्जामिन करता है इन अ मल्टीपल लेयर्स। तो दो लेयर तीन लेयर के अंदर वो जो है एग्जामिन कर रहा होता है कि जो भी उसकी लर्निंग पैटर्न है उस आर्किटेक्ट का, उस पे लर्न करके फिर वो हमें आउटपुट देता है। मसलन हम उससे पूछते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो डॉग है या कैट है। तो मशीन लर्निंग जो है वो इनपुट लेती है दो तस्वीरों का, उसे एग्जामिन करती है और अपने पास जो उसके पास डाटा है जो वो उस उनको देख के ये बताती है कि ये कैट है या ये। अब ये जो मल्टी न्यूरल हम कह रहे हैं कि मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, इसमें भी फिर बहुत सारी और चीजें होती हैं। मसलन एक होता है ANN, ANN इज आर्टिफिशियल
न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, इसी तरीके से सीएनएन है। सीएनएन जो है वो ज्यादातर डील करता है पिक्चर्स इमेजेस के साथ, ठीक है। तो और फिर यह हमारे पास केएनएन है, केएनएन जो है सेमी जो न्यूरल आर्किटेक्चर है उसके अंदर यूज होता है। तो ये चीजें जो हैं ये डीप लेवल के ऊपर जाके एएनएन एंड सीएनएन एंड केएनएन की जो लॉजिक्स हैं या एल्गोरिथम्स हैं वो तो बहुत एक टेक्निकल चीज हो जाएगी। यहां बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो डीप लर्निंग है वो होती क्या है। डीप लर्निंग सिर्फ ये है कि हम इंसान का एक रेप्लिका सोचने का उसी तरह से बनाएं जैसा कि मशीन के लिए, जैसा कि इंसान में है। तो जैसे इंसान कोई डिसीजन लेता है, जिस बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता है, मसलन मैं एक एग्जांपल दूं कि आईबीएम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है वॉटसन। अच्छा, जब वॉटसन नया नया आया तो काफी ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, और पॉपुलर वहां से हुआ जहां एक दुनिया का जो सबसे बड़ा चेस का प्लेयर था नंबर वन, उसने जब उस कंप्यूटर से चेस खेला तो वो हार गया, और वो जब हार गया तो ये दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज लगी कि जी वॉटसन जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है आईबीएम के पास जो उन्होंने बनाया है, और उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो चेस का गेम जीत गया। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चंद सेकंड में या 10, 20, 30 सेकंड में उसको अपनी चाल चलनी होती है, तो चेस के अंदर वो अगले 4 या 5 या 7 लेवल तक जाके सोचता है कि अगर मैं ये चाल चलूंगा तो वो ये चाल कर सकता है, और फिर मैं ये चाल चलूंगा तो फिर वो ये। तो जितनी भी परमिटेशन एंड प्रोबेबिलिटी होती है वो वहां पर इंसान सोच रहा होता है, लेकिन कंप्यूटर की कैपेबिलिटी इससे बहुत ज्यादा होती है कि वो चंद सेकंड में हजारों पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर चुका होता है, और उसमें जितने भी पुराने गेम थे वो सब उन्होंने डाल दिए थे। तो उसे पता था कि अगर मैं चाल इस स्टेज पे ये रखूंगा तो जितने भी पुराने केसेस हैं उसमें ये विनिंग चाल है। तो इस लिहाज से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर्स होते हैं, और बल्कि मेरा भी इत्तफाक है, कैसा हुआ कि जब मैंने कई साल पहले वॉटसन को एनालाइज किया और इसमें गया तो मेरी काफी मुझे एक डिफरेंट चीज मिली। मसलन ये कि उसमें एक है रेसिपी प्रोड्यूसर। तो रेसिपी प्रोड्यूसर क्या चीज है कि जी आप वॉटसन में जाएं और वहां पर आप अपनी इंग्रेडिएंट्स लिख दें। आप लिख दें कि जी चिकन है, राइस है, अनियन है, टमाटो है, मुझे बिरयानी बनानी। तो वो आपको तमाम जो डाटा है उसके पास उन इंग्रेडिएंट के साथ और बिरयानी को सामने रखते हुए आपको वो रेसिपी बता देगा। तो मैंने क्या किया कि इन चीजों के साथ एक और भी चीज डाल दी और जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी, यानी चॉकलेट। अब कोई चॉकलेट का ताल्लुक बिरयानी से नहीं है या इंग्रेडिएंट से नहीं है, चॉकलेट हम बिरयानी में नहीं डालते, लेकिन उसने क्या किया कि बिरयानी की जो रेसिपी दी उसमें चॉकलेट की भी को यूटिलाइज किया उसने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है कि जब आप उसे जो डाटा देते हैं और फिर वो जो लर्निंग प्रोसेस उसका है, मसलन ये कि जो मेडिकल के अंदर ये यूज हो रही है, उसमें एक डॉक्टर जो है उसने हजारों मरीजों को देखा है, बल्कि लाखों करोड़ों को देखा है अपनी लाइफ में। अगर कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है उसका तो उसने बेशुमार लोगों को देखा है, बेशुमार लोगों को दवाएं दी, और उस दवाओं के देने से उन मरीजों के ठीक होने या ना होने का उसने तजर्बा भी किया। मसलन ये कि अगर किसी, और उसमें यंग लोग थे वो शायद इन किस्म की दवाओं के साथ ठीक हुए, जो जरा ओल्ड थे उनको इस किस्म की दवाओं देने से ठीक हुए, जो लोग इस किस्म के मर्ज में थे उनको दवाएं कुछ और देनी है, इस किस्म के कुछ और देनी। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो एक डॉक्टर का 20 साल के अंदर डेवलप होता है। तो जब वो सिम्टम्स लेता है, मसलन अगर कोई आदमी जाकर डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताता है
तो आप देखें कि पहले से उसका ब्लड प्रेशर ले लिया जाता है, उसके हाइट ले ली जाती है, वेट ले लिया जाता है, उसकी एज देख ली जाती है, उससे पूछा जाता है आपको कोई बीमारी तो नहीं है आपको पहले से, या आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। वो सारा डाटा डॉक्टर के पास होता है। जब डॉक्टर उसे देखता है और ये शख्स उसको अपने सिम्टम्स बताता है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर उसको मेडिसिन सजेस्ट करता है। वो कहता है कि भाई आपको जो एज है, आपकी जो हालत है, या कोई मरीज है जैसे शुगर का मरीज है, तो उसके लिए शायद दवाएं डिफरेंट होंगी, तो अब आपको ये मैं दवाएं सजेस्ट करता हूं इस मर्ज के लिए या जिसके लिए वो शख्स गया है। अब मैंने जैसे कहा कि उस शख्स ने 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कोई मिलियन के करीब, 2 मिलियन के करीब, 5 मिलियन के करीब लोगों को एनालाइज किया होगा, उनको दवाएं दी होंगी, फिर वो दोबारा उनके पास गए होंगे और वहां से उसे पता चला होगा कि ये इन दवाओं से इसे फायदा हुआ या नहीं हुआ, और बाद में उसने दवा चेंज की नहीं की। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम इसको एनालाइज करते हैं, तो वहां पर बिलियंस ऑफ जो डॉक्टर्स की असेसमेंट्स हैं वो डेटा पड़ा हुआ होता है, और वहां पर बेशुमार दवाओं के चीजें होती हैं उसमें, उसकी मतलब क्या उससे नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। तो मशीन लर्निंग जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स एनालाइज करके डॉक्टर्स को 2 या 3 प्रपोजल्स दे देती है। फर्स्ट प्रपोजल ये है, इसका सक्सेस रेशियो जो है वो 90%, ये वाला जो ग्रुप है जिसमें ये 2-3 दवाएं, इसका सक्सेस रेशियो 80% है, ये तीसरी है इसका सक्सेस रेशियो 70%। और वहां पर फिर एक इंसान का जजमेंट आता है कि वो ये जज करके कहता है कि ठीक है जी, मैं इसको प्रेफर करता हूं इनके लिए, ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि जो इंसान की कैपेबिलिटी है याद रखने की, ठीक है, और जो कैपेबिलिटी है एनालाइज करने की, वो कंप्यूटर के पास बहुत ज्यादा है। हसन, जो इंसान के को तेजी से सोच सकता है, वो तो न्यूरॉन्स उसके बहुत तेजी से काम करते हैं, लेकिन सोच जो उसका पास डाटा है, वो सारा का सारा वो एक टाइम में उसको वो एनालाइज नहीं कर सकता, और वो डाटा उसे याद भी नहीं रहा। मसलन अगर 20 साल पहले उसने किसी मरीज का इलाज किया था, तो इज हार्डली लाइकली कि वो उसे याद हो, ठीक है। लेकिन मशीन में जो आपने डाटा डाला है वो सब उसे याद। मसलन ये कि वॉटसन जो है, उसने जब उसका नाम लिया गया जॉन, तो जॉन इज ही, तो ही इज, सो हाउ ही नोज दैट ही इज, वी हैव नॉट टोल्ड हिम, मतलब हमने मशीन को ये नहीं बताया कि ये मर्द, उसे कैसे पता चला कि ये मर्द, इसलिए कि उस मशीन को इन्होंने हजारों मूवीज दिखाई, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, बेशुमार बुक्स पढ़ी उसने, और वहां पर उसने जब पढ़ा तो पता चला एक जॉन नेम है जो कि मेल है, मर्द, वो बात उसने वहां पर रेकग्नाइज कर ली, अपने डेटाबेस में डाली हुई। तो जब वो बात करेगा जॉन के बारे में, तो कहेगा ही सेड दिस, या जेनिफर है तो उसे पता है कि ये खातून है, तो कहेगा जेनिफर शी सेड दिस। ये क्या है कि ये मशीन लर्निंग है, ये खुद बखुद उस मशीन ने लर्न किया है कि ये ही है और ये शी है, ऑन द बेसिस ऑफ बेशुमार जो डाटा वो उन्होंने इस मशीन को IBM के दिया है वॉटसन। तो ये सिर्फ मैं आपको एक केस बहुत छोटा सा बता रहा हूं। इस वक्त गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, बहुत सारे ऐसे AI के सॉल्यूशंस आए हुए हैं, सिर्फ ये लार्ज कंपनीज नहीं, जो कि इस वक्त हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं बहुत ही लेटेस्ट चीज आई है, वो ये कि गूगल ने एक बनाया है डॉली 2, गूगल का नहीं है बल्कि ये एक कंपनी है कॉल्ड OpenAI नाम से, उसने डॉली 2, पहले डॉली 1 आया था, अब वर्जन 2 आ गया डॉली 2, सो DALL-E-2। ये क्या है, ये बड़े सिंपल सा ये है कि आपने उसको एक स्टेटमेंट दे देना कि मसलन
loin is in the desert and behind is the mountains, front is the river. तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उस सारे डेटा को लेके जो उसके पास डेटाबेस में मिलियंस एंड मिलियंस की जो तस्वीर मौजूद हैं उनको वो डिजाइन करके आपको 6-8 डिजाइन दिखा देगा, जिसमें लॉइन भी नजर आ रहा होगा, जिसमें रिवर भी नजर आ रहा होगा, जिसमें पीछे माउंटेन नजर आ रहा होगा, और वो अपनी क्रिएटिविटी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व करेगा। तो अब आप देखें कि आर्ट जो जनरेट हो रहा है वो आप एक टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, एक छोटे से टेक्स्ट से आप जनरेट कर सकते हैं एक आर्ट को, एक फोटो को। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त दुनिया में बेशुमार काम कर रही है। मैं यहाँ इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ, और आखिर में किसी वक्त मैं जब बाकी जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं जाऊँगा कि उसके बारे में बात करूँगा, तो मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेटा साइंसेस के कोर्सेज हैं वो ज़रूर करें। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में जो मास्टर्स हैं वो डेटा साइंसेस में कितने हो रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में डेटा साइंसेस के अंदर मास्टर्स हैं या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज ए सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाता है, शायद पढ़ाया जाता होगा, लेकिन सब में नहीं पढ़ाया जाता हो, कुछ में पढ़ाया जाता होगा, लेकिन बेशुमार कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि हैं और आप उनको जाकर कर सकते हैं, और यहाँ तक के वो फ्री भी हैं बहुत से कोर्सेज। तो मैं जब आइंदा आपको मुख्तलिफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियो करूँगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा आखिर में कि आप कहाँ कहाँ जाकर इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये जो यंग लोग हैं इनको चाहिए कि वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए। दुनिया में इस वक्त शदीद शॉर्टेज है उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें डिजाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास है जो एज ए प्रोफेशन इसमें जाना चाहते हैं। तो आइंदा जो है मैं उनके लिए एक गाइडेंस हर चीज़ में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ की बात करूंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं या आप कैसे इसको इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।